वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम एलओपी के लिए निकल रहे हैं। टुडे इज डे 9। अराउंड 3.5 घंटे का रास्ता है फ्रॉम वर्कला बीच। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लोकेशन में हम लोगों ने एयरबीएनबी लिया था। सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड इफ़ यू आर कमिंग टू वर्कला और आसपास का कोई बीच, सो यू कैन स्टे हियर। और भी काफ़ी ऑप्शन है, यू कैन सर्च इट। तो एलओपी में हम लोग 2 दिन का स्टे है, आज का और कल का। आई विल चेक कि अगर हाउस बोट जो है वो 3-4 घंटे का टूर कराती हैं, वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज व्हेन वी आस्क्ड इट फॉर द शॉर्टर टाइम, तो दे वर चार्जिंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ 12,000 रुपीज़। अभी वहाँ जाके लेट सी व्हाट इज हैपनिंग। सो कीप वॉचिंग गाइज, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट। दिस इज कोलम बीच, और अगर आप जैसे हम ऑन द वे है एलएपी से, तो वी आर गोइंग थ्रू कोस्टल एरिया, सो कोलम पड़ेगा आपको रास्ते में। वेरी ब्यूटीफुल, यू शुड कम एंड यू शुड विजिट हियर। यहाँ पर होटल्स भी हैं, आप लोग होटल्स भी ले सकते हो इफ यू वांट टू स्टे। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पानी भी हल्का सा ब्लू है, एंड इट इज़ वेरी साफ सुथरा, बहुत अच्छा है। नो टूरिस्ट, आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। So do check out this Kolam beach guys when you're coming here. Guys, we are at Planet Restaurant. This is between LP. So you can come here for your lunch. It is very nice. It serves veg, non-veg both. Kerala paratha, dal tadka. This is ghee rice. This is paneer masala. On the way, एक बहुत sexy and explored point है, और यहाँ पर पूरा rocks है, जैसे आप देख रहे हो। ये पूरा ऐसा लॉन्ग का पूरा वे बनाया हुआ है, और इस साइड पूरा सी है। बहुत अमेजिंग व्यू है, आप जरूर रुकना। देखो, दो रास्ते हैं एलएपी जाने के लिए, एक हाईवे नेशनल हाईवे है, और एक कोस्टल से आप लोग जा सकते हो। तो हम लोगों ने कोस्टल सेलेक्ट किया है, बिकॉज वी हैव टाइम, हम लोग एक्सप्लोर करते करते जाएंगे। तो अगर आप लोग भी, आपके पास भी टाइम है, तो गो फ्रॉम द कोस्टल वे, क्योंकि बहुत अच्छा अमेजिंग व्यू दिखेगा और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। आप लोग रुकते रुकते जा सकते हो, यू कैन गेट अ वेरी गुड फोटोज वीडियोस ऑन द वे। सो बहुत सारे चीजें हैं जो आप देख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, बीचेस पे बहुत सारे लोग प्लास्टिक की बॉटल्स और कचरा डालते हैं, तो प्लीज 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 डू टेक केयर, और आप लोग अपना ही कंट्री को खराब मत करो। बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखी, कंपैरेटिवली अदर स्टेट से यहाँ कम है, मगर यहाँ भी काफी बॉटल्स और ये सब चीजें हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखो, आप लोग प्लीज जो भी कचरा है या बॉटल्स हैं, वो आप प्लीज डस्टबिन में आप थ्रो करो। Hey there fellow travelers, are you ready to explore the breathtaking coastal stretch from Varkala to LP? Trust me, this is a journey you would not want to miss. Starting off in Varkala, get ready to be blown away by the stunning views of cliffside beaches and the crystal clear blue waters. You can even take a dip in the water or just lay down on the golden sand. As we make our own way down the coast, you will come across the charming town of Kolam. It's like a time machine that takes you back to the 9th century with its ancient temples, churches and mosques. And the Astamuda lake is just the icing on the cake. Now let's talk about the real star of the show, Alappuzha. Known for its serene backwaters and houseboat cruises, you cannot miss this charming town. And the Alappi beach, oh boy, it's a paradise for beach lovers with its perfect picture, scenery and fun water sports. As we drive down the coast, you will be amazed by the stunning natural beauty of the region. The lush hills, coconut groves and a scenic village will leave you to awe. So what are you waiting for? Pack your bags and get ready for an epic adventure on a beautiful coastal stretch from Varkala to LP. It's going to be an unforgettable journey filled with sun, sand and sea.
बस पहुंचने वाले हमें 40 मिनट लगेगा बस एलपी। सो गाइज, हम लोग एलपी पहुंच चुके हैं और हम अपना बीच विला पहुंच गए हैं। हम लोगों ने बीच विला लिया है जिसका टूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, और हम लोग एलपी एक्सप्लोर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको एज सून एज पॉसिबल वीडियो देखने मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।